नए साल की जश्न की रात राज्य उत्पादन शुल्क नागपुर की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 15 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। राज्य उत्पादन शुल्क नागपुर संभागीय भरारी दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार विदेशी शराब का स्टॉक नकली और मध्य प्रदेश में निर्मित उच्च गुणवत्ता का है। यह कार्रवाई सीताबड़ी और वर्धा रोड स्थित नवजीवन कॉलोनी में की गई। फिलहाल कार्रवाई में दो और आरोपी है और एक दोपहिया वाहन सहित करीब 15 लाख रुपए की शराब जब्त की है। हालांकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा सभी नागरिकों से सरकार द्वारा अनुमोदित लाइसेंस से शराब खरीदने का आग्रह किया गया। उपरोक्त कार्यवाही विभाग के आयुक्त कांतिलाल उमाप, संचालक उषा वर्मा, मोहन वर्दी, विभागीय उपायुक्त प्रमोद सोनो ने, अधीक्षक इनके मार्गदर्शन में निरीक्षक प्रवीण मोहतकर, सुभाष खरे, केशव चौधरी, दुय्यम निरीक्षक मोहन पाटिल, मुकुंदा चिटमटवार, विनोद भोयर, विशाल कोहली, जवान सर्वश्री राहुल पवार, भोकरे, माई डुमरे, तिजारे, घावले, पिंपे, सोनू ने, सबका, पत्रकार शीतल सरोदे, राहुल पवार इन्होंने की। आगे की जांच उप अधीक्षक प्रशांत गोतमारे और मिर्कले इनके देखरेख में की जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज नागपुर।